एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। दसवीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद लोक निर्माण विभाग में उन्होंने नौकरी भी की। नौकरी करते करते वॉइस रिकॉर्डिंग का कोर्स किया। अपनी बहन की शादी में एक बार उन्होंने गाना गाया, तब उनके दूर के रिश्तेदार और अभिनेता मोतीलाल ने उनको सुना और फिर से उनको एक बार बॉम्बे ले गए। बॉम्बे मैं क्यों कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि उस वक्त मुंबई नहीं कहा जाता था, वो बॉम्बे था। और वहाँ पर ले जाके पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उनको संगीत की शिक्षा दिलाई। 1941 में निर्दोष फिल्म से बतौर अभिनेता और गायक उन्होंने बॉलीवुड में पदार्पण किया और मुकेश की सुनहरी मखमली आवाज़ दुनिया पर छा गई। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ संदीप भोसले और अवनी ठक्कर को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संदीप भोसले, आज के हमारे ऑर्गेनाइजर, जिनकी वजह से ये सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। मेरे साथ
हम तोड़ के हर दीवार मिले इस जन्म जन्म की नदियाँ के इस पार मिले इस पार मिले युग युग से ये गीत मिलेंगे गाते